अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए जहां भक्तों को 500 सालों का इंतजार करना पड़ा था, वहीं एक गांव ऐसा भी है जहां भक्तों ने राम मंदिर के कपाट खुलने के लिए 21 वर्षों का इंतजार किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुकमा जिले के घोर नक्सल प्रभावित गांव की, जहां करीब 5 दशक पहले राम, सीता व लक्ष्मण जी के संगमरमर की मूर्तियों की स्थापना कर इस मंदिर को बनवाया गया था। मगर धीरे धीरे नक्सलवाद के बढ़ते प्रकोप के कारण 2003 में गांव में स्थित राम मंदिर की पूजा पाठ बंद करवा दी गई, जिसके बाद कपाट पूरी तरीके से बंद रहे। देखिए आप हमारे रिपोर्टर की ये खास रिपोर्ट। 14 मार्च 2024 को केरला पेंडा और लखावाल के बीच में सीआरपीएफ का कैंप खोला गया। इस कैंप को खोलने के पश्चात जो हमारा एरिया डोमिनेशन की पार्टी जाती हैं, उन्होंने इस मंदिर को देखा जो काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। पूछताछ से पता चला कि ये मंदिर बहुत पुरातन मंदिर है और यहाँ पूर्व में इस मंदिर में भव्य मेला भी लगता था। अधिक जानकारी के लिए फिर हमने ग्रामीणों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ये मंदिर 2003 से बंद है, जिन्होंने नक्सलियों ने यहाँ आकर जबरदस्ती इसको बंद करवाया था और इस मंदिर को काफ़ी नुकसान पहुँचाया था। ग्रामीणों के ही आग्रह पर इस मंदिर की साफ सफाई और काफ़ी इस मंदिर में काम कार्य किया गया, जिससे ग्रामीण काफ़ी उत्साहित हैं और मंदिर का साफ सफाई करने के बाद मंदिर पुनः ग्रामीणों को उसके सुपुर्द कर दिया गया। हमारा प्रयास ये है कि जिस तरह से मंदिर में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर मंदिर के कार्यक्रमों में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, उसी प्रकार जो विकास कार्य और हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा इस कैंप खुलने के बाद जो इस इलाके में केरला पेंडा और लखापाल एरिया में किए जाएंगे, तो ग्रामीण सभी उन विकास के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मंदिर को खोला गया है, इस पर आपका क्या कहना है? केरला पेंडा गांव में श्री रामचंद्र जी का मंदिर था। माओवाद के द्वारा उस श्री रामचंद्र जी का पूजा पाठ कराने के लिए ग्रामीणों से बंद कराया गया था, लेकिन सीआरपीएफ के कैंप लगने के बाद पुनः मतलब श्री रामचंद्र जी का वहां पे पूजा पाठ चल रहा है। गांव में 21 साल बाद राम मंदिर का कपाट खुला और यह मंदिर जो केरला पेंडा गांव में स्थित है, यह मंदिर 1970 में बिहारी बाबा के द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से उस समय बनाया गया था, जिसे 2003 में माओवादियों ने एक ग्रामीणों को फरमान जारी किया और कहा कि इस मंदिर में पूजा पाठ नहीं करना है। कुछ समय पहले सीआरपीएफ की